गरबा की ताल, ढोल की थाप और डांडिया की खनक पर संस्कारधानी वासियों को थिरकने पर मजबूर करने के लिए भास्कर गरबा की पाठशाला में प्रतिभागी जमकर मेहनत कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि गरबा प्रशिक्षण हासिल कर वो इतना अच्छा डांडिया रास करेंगे कि दर्शक भी झूम उठेंगे। नवरात्र पर्व पर आदिशक्ति की आराधना गरबा रास से करने के लिए प्रशिक्षणार्थी बेताब है और यही वजह है कि दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित गरबा की पाठशाला में आए प्रतिभागी इस विधा को पूरी लगन से सीख रहे हैं। पारंपरिक गरबा रास के साथ ही मॉडर्न एवं सूरती और कच्छ स्टेप्स भी इस बार प्रशिक्षणार्थियों को सिखाए जा रहे हैं। नए नए स्टेप सीखने के लिए सभी जमकर मेहनत कर रहे हैं। जी, मैं भास्कर गरबा में आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के। क्या क्या सीखा है, क्या बता? अभी गरबे सीखे हैं, गरबे सीख रहे हैं, 4-5 स्टेप सीख लिए हैं, रोज़ प्रैक्टिस होती है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ के। मैं यहाँ पहले भी गरबा सीखने आती थी, लास्ट ईयर मैंने परफॉर्म किया है और ये टीम मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे लगता है बार बार मैं यहाँ आऊँ और इस बार इन्होंने कुछ नए नए स्टेप्स रखे हैं और जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं यहाँ सेकेंड टाइम आई और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे बनता नहीं था बट इतने अच्छे यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि मुझे हर चीज़, हर स्टेप बहुत अच्छे से आने लगा। मैं यहाँ के बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। नए स्टेप भी सिखाए? जी हाँ, नए स्टेप भी सिखाए हैं जो हमने लास्ट ईयर नहीं किए कुछ भी। हमें और नए नए स्टेप सीखने मिल रहे हैं और उसमें भी हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पहली बार आई हूँ, मैंने पिछले बार डांस देखा था ग्राउंड में, तो तब से मेरा बहुत मन था गरबे में डांस लेने का। नए नए स्टेप सीखने को मिल रहे हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नए नए स्टेप, हर रोज़ नए नए स्टेप सीखने को मिल रहे हैं। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं अगले साल भी लूँ। भास्कर गरबा वर्कशॉप में गुजरात के रंग मिलन ग्रुप के कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनका भी कहना है कि इस बार का गरबा बेहद खास रहेगा।